नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो मेरा ये वाला स्क्वायर है इससे थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और इसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। और जब हम यहाँ से अब देख रहे होंगे कि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और इसके बाद देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए इसके बीच में इतनी सारी लाइनें हैं, तो जब मेरा यहाँ धागा देखे यहाँ पे ये वाला धागा नीचे है तो अगर हम अल्टरनेट करते तो यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यानी कि यहाँ पे इस तरह से हमें अपने धागे को ऊपर से लेकर आना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और यहाँ पे इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएं क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी हमें यही देखना है, जैसे मेरा ये धागा यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, और यहाँ पे इस तरह से ये नीचे होगा, यानी हमें अपने धागे को इस धागे के नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम देखिए अब यहाँ से इस तरह से हम इसके नीचे से अपने सुई को लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा धागा ऊपर है। तो यहाँ यहाँ पे देखिए मेरा ये धागा ये ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर होना चाहिए क्योंकि अभी बीच में से एक लाइन जाना है जो ये मेरा ऊपर से आएगा इस तरह से। देखिए फिर मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से लेके आना है। अब यहाँ पे आएंगे जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा, अभी यहाँ से हम मेरा ये यहाँ पे ये लाइन नीचे है तो यहाँ भी इसी तरह से नीचे होगा, यानी कि हम इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना हमें। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ये धागा ऊपर, यानी यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे होगा, तो इस तरह से हमें नीचे से लेकर आना अपने सुई को और फिर यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे भी देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए अब देखिए हम यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना और यहाँ पे इसके नीचे से आना है और फिर देखिए कि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से हमें देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम इसके नीचे से आएंगे। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और यहाँ पे हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आएंगे क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ ऊपर है तो यहाँ हम इसके नीचे से आएंगे।
फिर यहाँ पे देखिए इसी तरह से, और इसके बाद अब हमें देखिए यहाँ से इसके ऊपर से आना है, और फिर यहाँ भी इसी तरह से इसके ऊपर से होते हुए हम यहाँ से अब यहाँ पे आएंगे। तो देखिए ये मेरा धागा ऊपर है, तो इस तरह से हम इसके ऊपर से और इसके नीचे से हम जाएंगे, और फिर देखिए यहाँ से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जब हम यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक और बात है, देखिए मेरा सब धागा इस तरह से, देखिए यहाँ ये भी ऊपर है, यहाँ ये भी ऊपर है, और यहाँ ये भी ऊपर है, तो यहाँ ये भी ऊपर है, तो इसी तरह हमें ये वाला धागा यहाँ ऊपर रखना है। तो यानी कि यहाँ पे हम नीचे से आए, अब यहाँ से हमें इस तरह से हमें जाना, और यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए फिर यहाँ पे आएंगे, और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे। अब देखिए मेरा ये धागा यहाँ से, अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, और जब मेरा धागा यहाँ पे और देखिए यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, यानी यहाँ पे नीचे होगा, इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, देखिए, और फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर जाना है, और फिर यहाँ ऊपर आएंगे। यानी जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जाएगा अब हमें वैसे वैसे जाना है, और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है, क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ पे ऊपर है। बस आप इसी बात का ध्यान रखेंगे तो आपको ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान होगा कि कहाँ मेरा धागा अगर ऊपर है तो हम नीचे से आएंगे, और नीचे है तो ऊपर से आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये ऊपर है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है, और फिर अब मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो देखिए इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब यहाँ से यहाँ आना है। देखिए ये वाला उठाएँगे, फिर ये वाला उठाएँगे, अल्टरनेट करते हुए अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, और जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखे इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए अब हमें यहाँ पे आना है, और इस तरह से फिर हम इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे इसके नीचे से निकालेंगे, और फिर यहाँ आएंगे, और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए फिर हमें यहाँ आना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अल्टरनेट भी करना है, कि एक बार ऊपर से आना है, एक बार नीचे से आना है। देखिए यहाँ से फिर मेरा ये धागा दोनों ऊपर है, तो यहाँ पर हम ऊपर से आएँगे इस तरह से देखिए, और फिर यहाँ से अब हमें इसके नीचे से इस तरह से आना है, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा था, यहाँ भी हल्का से कपड़ा पकड़ते हुए अब इसके नीचे से आएंगे, और यहाँ इसके ऊपर से आना, और फिर यहाँ पे इस तरह से देखे यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे, और फिर अब हमें मेरा ग्राफ देखे यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ पर इस तरह से हमें इसके नीचे से आना, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये धागा ऊपर है, तो हम यहाँ नीचे से आएँगे, और यहाँ पर इस तरह से देखे मेरा अब ग्राफ यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से अब हम देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह से इसके नीचे से होते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए देखिए अब इसके ऊपर से आना है, और यहाँ से यहाँ हो जाना है, देखिए इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से हमें अल्टरनेट करना है। यहाँ से देखिए हम अपने सुई को इसके नीचे से निकाल लेंगे, और फिर यहाँ भी इसी तरह से
हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इस देखिए इसके ऊपर से आएंगे, इसके नीचे से आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे, क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ पे मैं नया धागा लगा लूँगी। और देखिए इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे यहाँ पर जाना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे, फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से फिर हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे, किसी भी सिंधी डिजाइन का पहला और दूसरा स्टेप ही मेन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके नीचे से आएंगे, एक बार पहला और दूसरा स्टेप अच्छे से बन गया तो तीसरा और चौथा स्टेप बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और ठीक इस जगह पे हम अपने धागे को निकाल लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये मेरा कॉर्नर है अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें अपने सुई को मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा, तो इस तरह से यहाँ आएंगे, देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे इस धागे को उठा लेना है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे से आएंगे, यहाँ से ऊपर होते हुए अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे, और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर इस तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे, और इसके बाद इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए और इसके ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे मेरा धागा देखिए ऊपर है, जब यहाँ ऊपर है तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आना है, और फिर इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है, और इसी तरह से हमें यहाँ और यहाँ बना लेना है। मैंने इसी तरह से चारों कोनों में बना लिया। अब देखिए इस तरह से हम अपने धागे को यहाँ पे जो ये मेरा दो डिज़ाइन का क्रॉस है, देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई को निकाल लेंगे, और इस तरह से फिर देखिए यहाँ पे जो ये बड़ा वाला क्रॉस है इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे, जो नीचे वाला धागा उसे उठा लेंगे, और फिर यहाँ ये छोटा वाला जो क्रॉस है यहाँ भी इसी तरह से जो नीचे वाला धागा उसे हम अपने सुई पे ले लेंगे इस तरह से देखिए, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है, फिर यहाँ पे पहला वाला धागा हम अपने सुई पे लेंगे, बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने डिज़ाइन को बनाना है। जैसे जैसे देखिए ये मेरा क्रॉस है बड़ा वाला, इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना, फिर यहाँ पे जो छोटा क्रॉस है वहाँ पे आ जाएंगे, फिर इस तरह से पहले वाले धागे को उठा लेंगे, और इसी तरह से हमें जहाँ तक ये बन रहा है इस तरह से हमें बना लेना है। उसके बाद मैं आगे बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है इस तरह से, अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में क्या करना है। और फिर हम यहाँ से देखिए अब हम अपने सुई को इस तरह से इसके बीच से निकाल लेना है,
अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से, यहाँ चार धागा हो गया है तो अल्टरनेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने पहले वाले धागे को उठाया, दूसरा छोड़ा और तीसरे को अपने सुई पे उठा लिया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर अब हमें यहाँ पे आना है इस तरह से देखिए, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। पहला वाला धागा उठा लेंगे और हमें अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे नीचे कर लेना है। देखिए अब हम यहाँ पे अपने सुई को निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस तरह से, फिर इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे। फिर जो यहाँ पहला वाला धागा इसे हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है, और फिर यहाँ से अब यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ भी दो चार धागा हो गया तो अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी चार धागा तो हमें इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है। देखिए अब यहाँ से हम इस तरह से जो मेरा अब ऊपर वाला है अब इसमें बनेगा, यानी जहाँ भी क्रॉस है दो धागे का उसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। जैसे यहाँ पे मैंने क्रॉस में निकाला, अब यहाँ पे चार धागा, जब चार धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना, यानी पहला उठाना दूसरा छोड़ना है और इस तरह से तीसरे को अपने सुई पर ले लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इस तरह से पहला वाला धागा हमें उठा लेना है और ये जो क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। अब जब चार धागा हो जाए तो इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर हम इसमें आएंगे। बस आपको जो क्रॉस है उसमें से अपने सुई को निकाल लेना, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला धागा उसे हम अपने सुई पे उठा लेना है, ऊपर वाले धागे को हम नहीं उठाएंगे। और देखिए यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, पहला वाला धागा इस तरह से उठा लेंगे, और फिर अब मेरा क्रॉस देखिए यहाँ पे ये क्रॉस है तो इस तरह से यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है क्योंकि मेरा डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। अब बस इसी तरह से आपके इन क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेना, और जो इस तरह से पहला वाला धागा है हमें अपने सुई पे उठा लेना है। देखिए इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, उसके बाद मैं आगे बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया, और फिर ठीक इसी जगह, क्योंकि मेरा यहाँ डिज़ाइन कम्प्लीट है, इस तरह से हम अपने सुई को नीचे कर लेंगे। और अब हम इस कॉर्नर में निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अभी भी मेरा एक लाइन बाकी है, तो इस तरह से देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ पे, देखिए इस तरह से जो यहाँ पे है इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे, और देखिए इस तरह से जो मेरा ये नीचे वाला धागा उसे हम उठाएंगे, फिर पहला छोड़ते दूसरा छोड़ते हुए तीसरे को उठा लेंगे इस तरह से देखिए, और फिर इसी तरह से यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे, पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना, और फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे ठीक जहाँ पे मैंने सुई को निकाला था हमें वहीं पे अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना। देखिए अब मेरा डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हो चुका, अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है,
और इसी तरह से देखिए यहाँ पे चार धागा है, तो हम अपने सुई को इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इन दोनों धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना, क्योंकि ये दोनों नीचे का धागा है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी चार धागा है, तो इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे और इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेना है। और उसके बाद अब हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से ये जो नीचे वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इसी तरह से यहाँ भी हमें जो ये दो धागा उठा लेंगे, और यहाँ पे चार धागा हो गया है, तो इसे अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें अपने सुई को नीचे कर लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे, यहाँ पे चार धागा तो अल्टरनेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से हमें पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठा लेना है, और इसी तरह से जो मेरे क्रॉस है इसके बीच से हम सुई को निकाल लेंगे। फिर यहाँ चार धागा हो गया है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे, और देखिए इसी तरह से हमें इसे बना लेना है जैसा कि मैंने इसे और यहाँ पे बनाया था। देखिए मैंने यहाँ तक अपना चौथा स्टेप बना लिया। इस तरह से हम अपने सुई को नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ डिज़ाइन ये कंप्लीट। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे है अभी भी मेरा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग करना होगा। देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई को जो मेरा नीचे में धागा जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई को निकाले। इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे कि जहाँ पे हमें नीचे में धागा दिख रहा हो वहीं पे हमें अपने सुई को निकालना। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला धागा नीचे है, तो इस तरह से हमने अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया है, और धागे को मैंने अपने सुई पे उठा लिया। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे है, तो इस तरह से जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे तीन धागा है, तो दो धागे को हम इस तरह से देखें, इन दोनों धागे को देखें यहाँ पे जो तीन धागा है, तो इस तरह से हमने इन दोनों धागे को अपने सुई पे उठा लिया है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे देखें चार धागा है, तो इस तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी चार धागा है, तो हमें यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है। और फिर ठीक इसी जगह पे हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर देंगे, और फिर अभी हमें अपने सुई को यहाँ पे निकालना जो यहाँ पे ये डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से यहाँ भी चार धागा है, तो नीचे वाला धागा को हम सबसे पहले उठाएंगे और इस तरह से इसे भी उठा लेंगे अल्टरनेट करते हुए, और फिर यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, और फिर इसी तरह से हमें चार धागा तो अल्टरनेट कर लेंगे, यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करना है, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें अल्टरनेट करना, क्योंकि एक लाइन बच गया था इस तरह से, और फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे। और इसी तरह से मेरा यहाँ पे भी देखिए एक लाइन ये बीच वाला बचा हुआ, और यहाँ पे भी बचा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ठीक इसी तरह से
हमें यहाँ भी कर लेना है। इस तरह से देखिए, जो मेरा यहाँ पे नीचे में धागा, यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेना है इस तरह से। और बस इसके बाद हमें अल्टरनेट कर लेना है। चार धागा है तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे ले लेंगे। और इसी तरह इसमें भी कर लेंगे। और जहाँ पे मैंने सुई निकाला था ठीक उसी जगह पे हमें अपने सुई को नीचे कर लेना है। और इसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे। देखिए, मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया। अब मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट है। देखिए मेरा ये बीच का हिस्सा है जो मैंने अभी तक नहीं बनाया है। मैंने इस डिज़ाइन पे पहले वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। और सेम इसी पैटर्न से हम इसे और इसे बना लेंगे। देखिए, मैंने इसे भी बना लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर इसे हम साड़ी के किनारे में या दुपट्टे के किनारे में बनाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। आप इसे अपने अनुसार यहाँ से इसी तरह से यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे इधर, तो ये लंबा हो जाएगा। और देखिए, ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।